आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाओं को बार बार पेट में दर्द जो होता है या पेट के निचले हिस्से में दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उस दर्द से हम कैसे डील करें, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण होता है कि पीरियड आने वाले रहते हैं या पीरियड चल रहे होते हैं, उस दौरान भी महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द क्रैम्प आते हैं। तो ये महिलाओं को पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसकी वजह से महिलाओं को पेड़ों में और कमर दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में इस दर्द से बचने के लिए आप कांच की बोतल में गर्म पानी भर के सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। दूसरा, आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए ताकि आपके जो पीरियड्स है वो खुल के आए। जिन महिलाओं के पीरियड खुल करके नहीं आते उनको भी पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार महिलाओं की हालत खराब हो जाती है, कई बार ही महिलाओं को इंजेक्शन तक लगवाने पड़ते हैं दर्द को कम करने के लिए। कोई दवाइयाँ असर नहीं करती, टैबलेट्स देते तो महिला को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता रहता है कि मेरे पीरियड आने वाले हैं, तो आप 2 से 3 दिन पहले ही आपको कुछ सिम्टम्स लगने लगे कि हाँ मेरा पीरियड आने वाला है या मेरी डेट आने वाली है, तो आप हल्दी वाला दूध पीना चालू करें और पेट के निचले हिस्से में सिकाऊ चालू करें, जिससे कि पीरियड भी खुल के आएंगे और आपको पेट दर्द की जो तकलीफ होती है वो नहीं होगी। ठीक है, दूसरा कारण होता है कि PID यानी कि पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, ये इन्फेक्शन की वजह से PID होता है। कई बार महिलाओं को सूजन आ जाती है, उसके कारण भी महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। जब पीरियड निकल गए उसके बावजूद भी महिलाओं को दर्द होता है, यानी कि जब वो इंटरकोर्स करती है तब भी उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और चलने फिरने में या बैठने में भी कई बार उनको दर्द महसूस होता है। तो ये PID के लक्षण होते हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और हमको एक अल्ट्रासाउंड करवा के दिखवा लेना चाहिए कि कहीं आपको PID तो नहीं है, क्योंकि PID अगर हो जाता है तो ये हमारी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी सब जगह इन्फेक्शन फैला सकता है, हमारी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है और आगे जाके आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तीसरा मुख्य कारण होता है UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये महिलाओं में बहुत कॉमन है, पेशाब में जलन होना, पेशाब करते टाइम दर्द होना और गरम गरम पेशाब आना। जिन महिलाओं की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है उनको UTI बहुत जल्दी होता है। तो ऐसी महिलाओं को अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, साफ सफाई का बराबर ध्यान रखना है। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो अपने प्राइवेट पार्ट को दिन में 1 से 2 बार नॉर्मल पानी से वॉश करना है और उसको सुखाना है। उसके बाद में आपको कॉटन की पैंटी पहनना है। इसके बाद में UTI से बचने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आप जूस भी ले सकते हैं और भी एनर्जी ड्रिंक आप ले सकते हैं, नारियल पानी भी आप पी सकते हैं। आप जितना पानी पियेंगे उतना इन्फेक्शन दूर रहेगा। तो जिन भी महिलाओं को UTI की प्रॉब्लम है उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है UTI से बचने के लिए और साफ सफाई का बराबर ध्यान रखना है। इसके बाद में एक कॉमन रीज़न होता है गैस, एसिडिटी। महिला ऐसा खाना खा लेती है जो पचता नहीं है, खाना खाने के बाद में बराबर पानी नहीं पीती, क्योंकि अगर गैस के कारण आपको पेट में दर्द हो रहा, पेड़ों में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, तो फिर आपको जैसे आप आधी चम्मच अजवाइन का पाउडर फाँक सकती है, पानी पी लो गर्म, या फिर आप नींबू पानी भी पी सकते हो उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल करके। और अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो जैसे कुछ मेडिसिन आती है, जैसे ऐसी लोग आती है 150 mg, ऐसी लोग RD, Pentox DSR, OMSD, ऐसी बहुत सारी दवाई आती है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी दवाई ले लें जो डॉक्टर आपको दे, और 5-7 दिन आपको दवाई ले करके देखना चाहिए।
अगर एसिडिटी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही, तो जिससे आप दवाई लेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और अगर एसिडिटी की वजह से आपको हो रहा है, तो आपको जैसे कि जंक फूड, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, हार्ड खाना जैसे कि दाल बाटी, पूड़ी पराठे, ये नहीं खाना है। और जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेसन से बनी हुई चीज़ें आपको नहीं खाना है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि आपको गैस नहीं बने। खाने के बाद में आपको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक थोड़ा हल्का फुल्का चलना है, या थोड़ी वॉकिंग आप कर सकते हैं। सबसे लास्ट रीजन आता है हमारा कि मसल्स पेन। मसल्स पेन क्यों होता है? या तो आप अभी एक्सरसाइज करना शुरू किया आपने, या जिम ज्वाइन किया है, या फिर बहुत ज़्यादा आप चल रहे हैं, या कुछ वजन उठा लिया, जिसकी वजह से मसल्स में भी खिंचाव होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे महिलाएं घर की साफ सफाई करती है, तो बहुत सारा वजन ऊपर नीचे करती है, तो इस वजह से भी पेड़ों में दर्द हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि ज़्यादा वजन नहीं उठाए, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही काम आपको करना है, ओवर नहीं करना है, ठीक है? अगर मसल पेन हो रहा है आपको, तो इसमें आप जैसे कि थोड़ा आराम करेंगे, पेट पे सिकाई करेंगे गर्म पानी से, तो आपको आराम मिल जाएगा। और इससे में आप पेन किलर भी ले सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिन MR आती है, मेडोजेस्टिक MR आती है, जीरोडोल MR आती है, बहुत सारी MR करके आती है, जो कि मसल को रिलैक्स करती है। या फिर आप कोई नहीं है तो पैरासीटामोल भी खा सकते हो, ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। ओके, अब इसके बाद में हम जाने कि ये तो हमारे कुछ कारण हो गए। आपको कोई सा भी पेन हो रहा, आप तो समझ नहीं पाएंगे कि मुझे किस वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर आपको चेक करके देखेगी। कभी कभी हो सकता है कि इंटरनल चेकअप यानी कि PVB करके देखे वेजाइना के थ्रू। इसके बाद में वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगी। अल्ट्रासाउंड में देखा जाएगा कि भाई किस वजह से आपको दर्द हो रहा। आपको UTI की वजह से हो रहा, या फिर PID है, या फिर मसल्स पेन है, या गैस है, क्या वजह है पेन होने की। जो भी डायग्नोस होता है उसके रिगार्डिंग वो ट्रीटमेंट देगी। वो ट्रीटमेंट आपको लेना है, उन चीज़ों में लापरवाही नहीं करना है। ओके, साथ ही में गैस के अलावा आपको कोई भी दर्द हो रहा है, यानी कि सिर्फ गैस नहीं बनना चाहिए, उसके अलावा कोई भी दर्द हो रहा, ऐसे में आप हल्दी वाला दूध रोज पियो, उससे आपको जैसे PID है ना, मसल्स पेन है, स्वेलिंग है, कोई सा भी दर्द हो, तब हल्दी वाला दूध ठीक कर देगा। पर अगर आपको गैस की वजह से दर्द हो रहा है, तो फिर दूध नहीं लेना है। दूध पीने से भी गैस बनती है पेशेंट को, तो आप हल्दी वाला गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। तो अगर ये होम रेमेडी आप 1 से 2 महीने तक ट्राई करेंगे, तो आपको जरूर आराम मिलेगा। होम रेमेडी में आपको जैसे कि 1 ग्लास दूध और 1/4 टीस्पून आपको हल्दी पाउडर यानी कि टर्मेरिक पाउडर लेना है, 1 चम्मच का 1/4 बार। इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी पीली पड़ने लगेगी, और आपको अदर प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन येलो आ सकती है। ओके, तो डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट दिया वो तो लेना ही है, और हल्दी वाला दूध या गुनगुने पानी में हल्दी डाल के भी आप ले सकते हैं।